दिल्ली से सटे हरियाणा के गुड़गांव में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे में बुधवार रात एक चलती स्लीपर बस में आग लगने से 2 यात्रियों की मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। बस जलकर खाक हो गई है और आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि घायलों में से 5 को मेदांत अस्पताल में और 7 को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग के उप निदेशक गुलशन कालरा ने बताया कि घटना दिल्ली से जयपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर झारसा फ्लाईओवर के पास रात करीब 8:30 बजे हुई। उन्होंने कहा, हमें सूचना मिली कि एक स्लीपर बस में आग लग गई है। इसके बाद 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। कालरा ने बताया कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 2 यात्रियों की जलने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कुछ अन्य यात्री झुलस गए। सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मानव ने पुष्टि की कि अस्पताल में 7 घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा, सभी घायल 30-50% तक झुलस गए हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। घटना की सूचना मिलने के बाद उपायुक्त निशांत कुमार यादव और गुरुग्राम पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा भी मौके पर पहुंच गए हैं। इससे पहले 23 अगस्त को नूह में उमरी गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर रोल्स रॉयल कार और तेल टैंकर के बीच टक्कर में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग जा रहे थे, 500 किलोमीटर एक पड़ता है यहाँ से, तो लेबर क्लास सारी वापस अपने घरों पे जा रही थी। तो इनिशियली जो है पीछे से आग लगी है और जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो पीछे गाड़ी चला रहे थे उन्होंने बताया कि इन्होंने आग आग बोला भी इसको, तो ड्राइवर ने धीरे धीरे काफ़ी दूर जाके साइड में लगाई है। साइड में भी ऐसी लगाई कि नीचे उतर नहीं सकते थे क्योंकि पुल है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है काफ़ी सवारियाँ निकल के उतर गई हैं जो ठीक ठाक थी, उनसे हमारी भी मुलाकात हुई है। अब उनको सबको भेज दिया है, वहाँ पर एवैक्यूएट कर दिया है और खाना खुना खिला के उनको अपना जिले में भेजा जा रहा है। 2 तो कंफर्म डेथ हो गई हैं और 3 जो अभी मेडिसिटी से वहाँ रेफर हो गए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल, बाकी 8 एक इंजर्ड हैं जो सिविल हॉस्पिटल में हैं, वो लगभग पूरे ठीक हैं। और जो गैस के सिलेंडर ये लोग कैरी कर रहे थे, अभी प्रारंभिक तौर पर ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ये हुआ है। बाकी फोरेंसिक टीम आई हुई है, वो फाइनल फाइंडिंग आ जाएगी।